उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के बगड़ुंदा ग्राम पंचायत के झोलावास पावर हाउस के समीप मजदूरी से घर लौट रहे रेप पीड़िता के पति पर जेल से छूटे आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर सरियों से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। रेप पीड़िता ने आज गोगुंदा थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई की। मेरे साथ करीब एक वर्ष पूर्व रमेश पिता हेमा गमेती निवासी बगड़ुंदा आवश्यक काम के बहाने मुझे मोटरसाइकिल पर बिठाकर बगड़ुंदा किशन सिंह की दुकान पर ले गया, जहां दोनों ने सामूहिक बलात्कार किया, जिसकी रिपोर्ट गोगुंदा थाने में दर्ज करवाई गई, जिस पर पुलिस ने आरोपी रमेश गमेती को पहले गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और करीब 2 माह पहले किशन सिंह राजपूत को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। जिस बीच बाद में गांव के गुलाब गमेती ने आपसी समझौता करवाया और 1 माह पहले रमेश गमेती जेल से रिहा हो गया। जैसे ही आरोपी जेल से बाहर आया और मुझे व मेरे परिवार को जान से मारने की धमकियां देने लगा, तब से हम लोग डरे हुए हैं। और रिपोर्ट में बताया कि 2 दिन पहले मेरा पति एक मकान में काम कर रहा था, इसी दौरान रमेश से समझौते की राशि मांगी तो दोनों में बहस हो गई, जिसके बाद रमेश आग बबूला हो गया और देर शाम मेरा पति मजदूरी कर घर लौट रहा था, इसी दौरान मेरे पति को जान से मारने की नीयत से सोची समझी साजिश के तहत रमेश गमेती, बंसीलाल गमेती पिता गोपीलाल गमेती, लक्ष्मण गमेती व एक अन्य युवक ने मेरे पति पर बीच रास्ते में ताबड़तोड़ सरियों से हमला कर दिया, जिसमें मेरे पति के हाथ पैर फ्रैक्चर हो गए और शरीर पर गंभीर चोटें आई। हादसे की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस के पायलट सोन सिंह राजपूत मौके पर पहुंचे और गोगुंदा अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया, जहां उसकी हालत को नाजुक बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। लोकल न्यूज वीडियो के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब ऐप।